और मध्य एशिया में जंग का नया मोर्चा खुलता साफ दिखने लगा है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच विवादित सीमा पर तनाव इतना बढ़ा कि फायरिंग तक शुरू हो गई। दोनों मुल्कों की फौज के बीच हुई झड़प में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद दोनों देशों के बॉर्डर के पास बसे गांव थर्रा उठे। घंटों तक गोलियों का शोर सुनाई देता रहा। खबर है कि रुक रुक कर तीन बार इस तरह की झड़पें हुई। दावा है कि दर्जनों लोगों को गोलियां लगी, जिनमें कुछ की मौत की भी खबर आई। हालांकि दोनों ही तरफ से नुकसान का कोई सही आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन जंग के हालात बनने के संकेत इसलिए मिले क्योंकि दोनों देशों ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया। यहां तक कि टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला भी दोनों सेनाओं ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया। दोनों मुल्कों के बीच सीमा का बहुत बड़ा हिस्सा विवादित है। खबर है कि ऐसी ही एक विवादित जगह में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से इस बार झड़प शुरू हुई, जो इतने बड़े झगड़े की वजह बन गई। वो भी तब जब दोनों देशों के नेता समरकंद में एक साथ मौजूद थे। समरकंद में चल रही SCO समिट के लिए जब दोनों नेता अपने देशों से रवाना हुए, तब तक हालात सामान्य थे। लेकिन जब दोनों नेताओं की तस्वीरें समरकंद में खींची जा रही थी, उस वक्त तक तलवारें खिंच चुकी थी। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे, लेकिन रूस ने समुदायों के समूहों को बुनियाद मानकर जमीन का बंटवारा किया था। तभी से कई इलाकों पर विवाद चल रहा है, जिसका कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि दोनों ही देश अब भी रूस के पक्के सहयोगी हैं। दोनों ही देशों में रूस की फौज के अड्डे भी मौजूद हैं। इसीलिए रूस के लिए ये दोनों देश बेहद अहम हैं। दावा है कि SCO समिट के दौरान ही रूस ने दोनों देशों को सीज फायर पर राजी करने की कोशिश की, ताकि जंग को टाला जा सके। लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक अब भी वहां तनाव के हालात बने हुए हैं और बॉर्डर पर रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है।